बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो बच्चों आज हम अपनी कक्षा में अपने अपठित अवबोधनम का दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें हम धन की महत्वता को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम धन की महत्वता के बारे में जानेंगे कि धन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार हम इसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी अभ्यास कार्य जो है वो करेंगे, फिर हम अपने शब्द रूप पढ़ेंगे मुनि और लता के। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आप पेज नंबर 107 निकाल लीजिए। इसमें है सर्वे जनहा संसारे सुखम इच्छन्ति। सभी लोग संसार में सुख की प्राप्ति चाहते हैं। सुखम चा धनेन एव प्राप्यते, अतः ज्ञान उपार्जनस्य आवश्यकता भवति। यदि हमें सुख और धन चाहिए तो हमें ज्ञान उपार्जन की भी बहुत आवश्यकता है। यदि हमें सुख और धन दोनों चाहिए तो उसके साथ साथ हमें ज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए, हमें ज्ञान का अर्जन भी होना चाहिए। यस्य पार्श्वे धनम भवति सा सुखेन शेते, जो धन पार्श्व यानी ईमानदारी के साथ कमाया जाता है, मेहनत के साथ कमाया जाता है, वो धन हमेशा सुख देता है। निर्धनम पुरुषम तु मित्रानि अपि त्यजन्ति, निर्धन लोग निर्धन पुरुष जो होते हैं वो मित्रों का भी त्याग कर देते हैं। चोरेन कपटेन उत्कोच ग्राहेण प्राप्चा प्राप्तम धनम विनाशकारी भवति, चोरी किया गया धन, कपट से लिया गया धन, धोखाधड़ी से या घर से चुराया गया धन जो है वो धन विनाशकारी होता है। कृषि कर्माणाम व्यापारेण सेवायाम, कृषि कर्म के द्वारा, व्यापार करके, सेवा के द्वारा और परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया गया धन हमेशा फलता है। लेकिन जो चोरी छल कपट और झूठ से प्राप्त किया गया धन होता है वो विनाशकारी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा धन की प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है वो हमें सुख देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। पहला इसमें एक पदेन संसारे जना की मच्छन्ति, संसार में लोग क्या चाहते हैं, सुख। तो आप इसमें लिखेंगे सुखम इच्छन्ति। दूसरा है सुखम केन प्राप्यते, सुखम किससे प्राप्त होगा, धनेन। संसारे का सुखेन शेते पार्श्वे धना अवति। ठीक है, अगला है लोकः कथम मित्रम त्यजति निर्धनम पुरुषम। पूर्ण वाक्य में पहला है धना अर्जन से सर्वोत्तम उपायम को अस्ति। आप इसमें लिखेंगे धना अर्जन से सर्वोत्तम उपाय ज्ञानोपार्जन से आवश्यकता भवति। केन प्राप्तम धनम फलति, कृषि कर्माणा व्यापारेण सेव्या परिश्रमेण चा प्राप्तम धनम फलति। अगला है निर्देश अनुसारम, पहला है प्राप्तुम, इत्यत्र कहा प्रत्यय प्रयुक्त प्राप्तुम, तो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, तुम, तो इससे हमें क्या पहचान हो रही है कि हमारा तुमुन प्रत्यय है। पार्श्वे इत्यत्र पर्यायवाचीम लिखित, तो इसका आप लिखेंगे निकटे। अगला है इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा हमारा धनस्य महत्वम, यानी कि धन का महत्व। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे हमारा शब्द रूप लता और मती के, यह है आपके अकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति हमारी लता लते लतहा, द्वितीया लताम लते लतहा, तृतीया लत्या लताभ्याम लताभी, चतुर्थी लत्या लताए लताभ्याम लताभ्य, पंचमी लतायः लताभ्याम लताभ्य, षष्ठी लतायः लत्यौ लतानाम, सप्तमी लतायाम लत्यौ लतासु। संबोधन है हे लते हे लतः। आगे हम पढ़ते हैं इकारांत, ये हमने पढ़ा अकारांत स्त्रीलिंग, अब हम पढ़ते हैं इकारांत स्त्रीलिंग मति के शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति है मतिह मति मत्यह, द्वितीय विभक्ति है मतीम मति मतिह, तृतीय विभक्ति है मत्या मतिभ्याम मतिभी, चतुर्थी विभक्ति है मत्यय या मत्यौ या मत्यय मतिभ्याम
मतिभ्यः, पंचमी मत्यः या मतेः, या द्विवचन में आएगा मतिभ्याम, बहुवचन आ गया हमारा मतिभ्यः। षष्ठी विभक्ति मत्यः या मतेः, मत्यहो मतीनाम। सप्तमी विभक्ति मत्याम, मत्यौ मत्यौ मत्यहो मतीषु। संबोधनम हे मते, हे मति, हे मत्यः। ठीक है, तो ये आपके स्त्री इकारांत स्त्रीलिंग के मति शब्द रूप, और ये हैं आपके अकारांत स्त्रीलिंग के लता के शब्द रूप। आप इन्हें नोटबुक में कर लेंगे, और साथ ही साथ आप इस जो गद्यांश आपका ये, इसे भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे।